आज हम डिस्कस करेंगे लव डेथ रोबोट नाम के एक वेब सीरीज का एक एपिसोड द ड्रॉन्ड मैन को लेकर। एपिसोड के शुरू होते ही दिखाता है तीन साइंटिस्ट का एक टीम एक बीच पर जाता है, जिनमें से एक का नाम स्टीव होता है जो स्टोरी नैरेट करते हैं। बीच पर उन लोगों को एक विशालकाय मानव दिखता है जो कि नंगा लेटा हुआ था बीच के किनारे। उसके पहले ही दिन एक आंधी आई थी जिसके साथ वो विशालकाय मानव आ पड़ा था। फिर एक फिशरमैन कॉल करके अधिकारियों को बताया था, पर वो लोग इस न्यूज को ट्रस्ट नहीं करते हैं। पर जब बहुत लोग बीच जाने लगे और वापस आके तरह तरह के स्टोरी बताने लगे, तभी ये तीन साइंटिस्ट आते हैं। उन लोगों को लगता है कि ये मानव 70,000 किलो के आसपास हो सकता है, पर शरीर का किसी भी हिस्से को देख के उसका एज पता नहीं चलता है। फिर उस मानव का आंख और नाक देखकर ये पता चलता है कि ये मानव जवान है। वो तीनों साइंटिस्ट मिलके उस बॉडी के आसपास घूम रहे थे, तभी स्टीव को दिखता है कि उस मानव के हाथ के ऊपर पानी भरा हुआ है और उसमें कुछ मछलियां भी तैर रहे थे। साइंटिस्ट के टीम को इस मानव के अस्तित्व पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक साइंटिस्ट उस मानव की छाती के ऊपर चढ़ के भीड़ की तरफ हाथ लहराते हुए दिखाई देते हैं, ये समझाने के लिए कि वो लोग पास आ सकते हैं। सभी मिलके उस बॉडी के ऊपर चढ़ने लगते हैं। कुछ लोगों को लग रहा था कि बॉडी बाउंसी है और कुछ तो छाती के ऊपर खेलना भी शुरू कर दिया था। हालांकि स्टीवन उस बॉडी को किसी भी तरह से टच नहीं किया। फिर वो तीनों साइंटिस्ट दूर से ही मानव को देख रहे थे और नोट्स लिख रहे थे। कुछ देर बाद उस मरा हुआ मानव से खेलते खेलते सभी का मन भर गया और सब घर चले गए। 3 दिन बाद स्टीवन फिर वहाँ गया क्योंकि स्टीवन का इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था। स्टीवन को लग रहा था कि ये मानव अभी भी जिंदा है। वो दूर से बच्चों को देख रहा था उस मानव के ऊपर खेलते हुए, और कुछ लोग उस मानव का फीमर बोन को काटने का प्लान बना रहा था। दूसरे दिन स्टीवन शाम को वहाँ जाता है क्योंकि तब वहाँ कोई नहीं रहता है। स्टीवन को दिखता है कि वो मानव का हालत खराब होते जा रहा है और सड़ना भी शुरू कर दिया था, और एक टीनेजर उस मानव का कान के ऊपर बैठा था। अभी वो मानव का स्किन पहले जैसा जवान नहीं दिख रहा था क्योंकि बहुत दिन हो गया था और उसके ऊपर समुंदर का पानी पड़ा था। स्टीवन समझ जाता है कि कुछ ही दिनों के अंदर बॉडी पूरा सड़ जाएगा, और फाइनली स्टीवन उस बॉडी के ऊपर चढ़ने का साहस करता है। ऊपर स्टीवन को बाली से बना हुआ एक घर भी दिखाई देता है। वहाँ से दिखाई देता है कि उस मानव के हाथ का कुछ हिस्सा ऑलरेडी सड़ चुका है और बाकी का हिस्सा कुछ लोग काट के ले गया है। उस मानव के आंख भी तब तक धुंधला हो चुका था। नेक्स्ट टाइम जब स्टीवन वहाँ जाता है तब तक उस मानव का दोनों हाथ और पैर सड़ चुका है और कटा जा चुका है। वहाँ पर कुछ लोग भी दिखाई देते हैं जो कि उस मानव के शरीर के ऊपर पेंट कर रहा था। अगले दिन जब स्टीवन वहाँ आता है तब दिखता है कि उस मानव का सर धर से अलग किया गया चुका था। पक्षियाँ उस मानव के मांस खा रहे थे। इसके बाद कुछ हफ्ते स्टीवन वहाँ नहीं जाता है, पर जब जाता है तो देखता है कि उस विशालकाय मानव का और ज्यादा कुछ बचा नहीं है। जो विशालकाय मानव कुछ दिन पहले इंसानों का मेन अट्रैक्शन था, इस बीच में वो अभी गायब हो चुका है। कुछ महीने बाद सभी उस मानव को भूल चुका था, पर उसका कुछ हिस्सा अभी भी इधर उधर देखा जा सकता था, खास करके उसके हड्डियाँ जो कि डेकोरेशंस के लिए यूज किया जा रहा था कहीं जगह। एक दिन साइकिलिंग करते हुए स्टीवन को उस मानव का सर का कंकाल दिखता है और वो सोचता है कि शायद किसी पब में इसका नाक और कान भी मिल सकता है। फिर स्टीवन को एक सर्कस में उस मानव का हड्डियां दिखाई देता है, पर सर्कस वाले लोगों को बता रहे थे कि ये व्हेल के हड्डियां है जो कि झूठ थे। कुछ दिनों के बाद सरकार उस मानव को समुद्र राक्षस घोषणा कर देते हैं, पर स्टीवन को अभी भी सपना आता है कि वो मानव जिंदा हो जाता है और शहर की तरफ आ रहा है। ये तो नहीं पता चलता है कि वो विशालकाय मानव कौन था, पर बहुत लोगों को ये लगता है कि ये स्टोरी एक मेटाफर है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि हम ह्यूमंस किसी चीज को कितना ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, जैसे कि उसके छाती पे चढ़ जाना, उसके हड्डियों को शोपीस की तरह यूज करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक एक्सप्लेनेशन ये है कि हम इंसानों का लाइफ कैसा है। जैसे कि जब हम लोग जिंदा होते हैं तब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा याद रहते हैं, फिर मरने के बाद कुछ लोगों के बस याद में रह जाते हैं और इवेंचुअली वो यादें भी मिट जाते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में इंसान घर के वजह म्यूजियम में रहने के लिए क्यों मजबूर होते हैं, तो राइट साइड वाला वीडियो पर क्लिक करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम रोज ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।